अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले वीडियो में जो है तो हैलोजन डेरिवेटिव शुरू किया था और उसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, ये तीन टॉपिक जो है तो पढ़े थे। उसके बाद जो है तो हमारे को अगला टॉपिक दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव या प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। यहाँ पर आप ये याद रखें कि पांच अलग अलग तरीकों से आप हैलोजन डेरिवेटिव को या अल्किल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं। उसमें हम वन बाय वन पांच तरीके डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला तरीका जो है तो हमारे को दिया हुआ है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए आपको अल्किल हैलाइड जो है तो तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखें कि अल्कोहल के साथ में तीन दिगर और रिएजेंट का इस्तेमाल करते हुए हम अल्किल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन हैलाइड HClHBrHI, हाइड्रोजन हैलाइड आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है फास्फोरस हैलाइड PCl3, PBr3, PI3 या PClY, आप इनका इस्तेमाल और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए अल्किल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं। और तीसरा तरीका दिया हुआ है थायोनिल क्लोराइड, आप इसका इस्तेमाल करते हुए और अल्कोहल का इस्तेमाल, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्कोहल के साथ में आप हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल के साथ में फास्फोरस हैलाइड और अल्कोहल के साथ में थायोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करके अल्किल हैलाइड को तैयार कर सकते हैं, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको ABC कंसिडर कर ले आप। इसमें पहला अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो वो दिया हुआ है हमारे को या पढ़ना है हमारे को हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये शुरू करने से पहले दो दो मिसालें हम सबकी लेंगे, अब याद रखें बस। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड और अल्कोहल का इस्तेमाल करके आपको अल्किल हैलाइड तैयार करना है। तो दो बातें आप इसके लिए याद रखें कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल और सबसे कम CH3 बॉन्ड OH यानी मिथिल अल्कोहल। और अगर हाइड्रोजन हैलाइड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। ये रिएक्टिविटी क्यों है? ये तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बिना पर है। टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, हमने पढ़ा है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्शियरी की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम प्राइमरी की, मैकेनिज्म वाइज हम उसको पढ़े हमने 11वीं में। ठीक है, यहाँ पर आप याद बस इतना रख ले कि हाइड्रोजन और आयोडाइड की जो बंदिश है वो कमज़ोर होती, कमज़ोर होने की वजह से वो बंदिश आसानी से टूटती, आसानी से टूटेगी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HBr, उससे कम रिएक्टिव HCl, उससे कम और HF, तो ऐसा समझ लो आप ना के बराबर जो है तो रिएक्टिव होता है। ये दो चीज़ें याद रहेगी आपको तो समझने में आसानी जाएगी। चलो, तो वन बाय वन इसमें हाइड्रोजन हैलाइड में पहला अगर मैं लिखूँ यहाँ पर स्मॉल ए से बता रहा हूँ मैं, ये पहला तरीका, पांच तरीके पढ़ना है, इसमें तीन तरीके, इसको कैपिटल ए से बताया मैंने हाइड्रोजन हैलाइड, और इसमें तीन है जिसमें पहला हम इस्तेमाल करेंगे HCl। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर तीन मिसालें लिख रहा हूँ, CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड OH, इसके साथ में अगर आप HCl ले तो हमने भी बोला कि प्राइमरी अल्कोहल जो है तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके साथ में मिलाएंगे अनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और इसको करेंगे गर्म, जब आप गर्म करेंगे तो पता है आपको बंदिश टूटेंगी, यहाँ से इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इन दोनों की बंदिश टूटेंगी तो नतीजे में इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, क्लोरीन जुड़ेगा CH2 से तो नतीजे में CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी के H2, यह आपको जो है तो हासिल हो जाएगा, यह है इथिल अल्कोहल, यह हासिल हुआ आपको इथिल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसमें एग्जांपल दूँ CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसके साथ में अगर आप HCl लेते हैं तो बोला हमने अनहाइड्रस
ZnCl2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ये अमल होगा रूम टेम्परेचर पे। अमल तो पता है आपको, रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। यहां से बंदिश टूटेंगे, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से बंदिश टूटी, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये जाएगा इसके साथ में, क्योंकि इसके बाद निगेटिव है, इसके बाद में पॉजिटिव है, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 जैसा के वैसा, प्लस यहाँ पर H पॉजिटिव, यहाँ है OH निगेटिव, यानी कि H2 आपको हासिल हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। यहाँ आप याद ये रखें कि भाई आपने प्राइमरी लिया तो आपको तमासिया एमिल भी मिलाना पड़ा और गर्म भी करना पड़ा, सेकेंडरी लिया तो सिर्फ तमासिया एमिल का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप इसके साथ में टर्शरी लें, ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं तीनों का, फिर एक जुमला हम बोल देते हैं, इसको खत्म करते हैं। अगर टर्शरी लिए आपने, इसके साथ में लिए HCl, तो आपको ना तो रिएजेंट मिलाने, यानी तमासिया एमिल मिलाने की जरूरत, और ना ही टेम्परेचर की जरूरत, अमल वैसे ही हो जाएगा। इसका रीजन हम कंबाइन करके बताने वाले हैं। बंदिश यहां से टूटेंगे, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से बंदिश टूटेंगे, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये जुड़ेगा पॉजिटिव से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये पूरा मॉलिक्यूल जैसा के वैसा इससे जुड़ जाएगा Cl प्लस H2, और आपको टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड हासिल हो जाएगा। इन तीनों के ऊपर आप एक चीज याद ये रखें इन तीनों के लिए, कि भी प्राइमरी अल्कोहल को अनहाइड्रस ZnCl2 तमासिया एमिल और गर्म करना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है। यहाँ रूम टेम्परेचर पे अमल क्यों हुआ? क्योंकि ये इसके मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए, क्यों? हमने पहले सीक्वेंस बताया कि यह है टर्शरी अल्कोहल जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये तीन जुमले जो है तो आप इसके लिए जो है तो याद रखें। चलो खैर, ये तो हो गया पहला तरीका हमारा। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद एक और रखना है कि ये MCQ लेवल पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस, यानी बेआब जिसमें पानी ना हो, अनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसको नाम दिया जाता है या नाम दिया गया है लुकास रिएजेंट। लुकास आइजदा का नाम है, उसको लुकास भी आप पढ़ सकते हैं, लुकास रिएजेंट, ठीक है। और ये जो पहला तरीका था हमारा, ये नेम रिएक्शन में आता, इसको कहा जाता है ग्रू प्रोसेस। ग्रू भी आइजदा का नाम है, ग्रू प्रोसेस। ग्रू प्रोसेस में आपने HCl का इस्तेमाल करते हुए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्लोराइड या अल्किल क्लोराइड जो तैयार किया। चलो खैर, ये तो था पहला हमारा। दूसरा अगर बात की जाए HBr की, यानी स्मॉल बी चल रहा हमारा कैपिटल ए में, HBr का अमल, इसमें एक ही मिसाल दे रहा हूँ बस मैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आपने लिए मसलन CH3, उसके साथ में लिए अल्कोहल, इसके साथ में मिलाए HBr, लेकिन HBr जो है तो आप तैयार करते हैं सिच्यू में। सिच्यू मतलब सिचुएशन, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन। और वो कैसे तैयार करते हैं? आप 48% लेते हैं ब्रोमिक एसिड, ठीक है, यानी सिंपल सिंपल जो है तो हमारा NaBr प्लस इसके साथ में लेते हैं H2SO4, यानी 48% ब्रोमिक एसिड आपको इस्तेमाल करना है। तो ये तैयार करने के लिए आपको NaBr और H2SO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोनों अमल करके HBr बनाएंगे, सोडियम बाई सल्फेट जो है तो तैयार करेंगे NaHSO3, और ये आपको सिच्यू में HBr तैयार हो जाएगा। अमल एकदम आसान है, यहाँ से बंदिश टूटेंगे, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये जुड़ेगा पॉजिटिव से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड Br प्लस H पॉजिटिव OH निगेटिव, यानी के H2, ठीक है। सेम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का आप अमल करा सकते हैं। चलो तीसरा सी, HI का अमल, ठीक है। HI के अमल के लिए आपको 95% फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है तैयार करने के लिए, क्योंकि ये भी आप सिच्यू में तैयार करते हैं, ठीक है। सिच्यू में कैसे बताते हैं? CH3 बॉन्ड OH लिया आपने, साथ में आपको HI तैयार करना है या इस्तेमाल करना है, तो HI की तैयारी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो है तो NaI और साथ में H3PO4, ये रहता है 95%।
तो ये दोनों का आप अमल कराएंगे तो नतीजे में आपको एच आई जो है तो तैयार हो जाएगा, और फिर एच आई अमल करेगा अल्कोहल के साथ में, अमल करेगा इस तरह से, बंदिश टूटिंग इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटिंग इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आयोडीन जुड़ेगा सी एच थ्री से, तो नतीजे में सी एच थ्री बॉन्ड आई प्लस एच टू आपका आसानी से हासिल हो जाएगा। तो ये पहला तरीका जो हमने पढ़ा है अल्कोहल में हाइड्रोजन हैलाइड से, ये हमारा जो है तो खत्म हुआ। दूसरा बी है हमारा जो है तो कैपिटल बी चलेगा, बी ये सीधा, ठीक है, कैपिटल बी हमने कहा है फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। इसमें आप एक चीज याद रखें, फास्फोरस हैलाइड होते हैं ट्राइहैलाइड जिसमें PCl3, PBr3 और Pi3 आता है, और पेंटाहैलाइड होते हैं जिसमें PCl5, PBr5 और Pi5 होता है, ठीक है। ये दोनों तो स्टेबल है, इनका कोई मसला नहीं, लेकिन ये है लेस स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल यानी कम कयाम पजीर, तो इनको आपको दोनों को सीच्यू में जो तैयार करना पड़ेगा। और ये दोनों जो होते हैं PBr5 और Pi5 ये होते हैं अनस्टेबल, तो आप इनका इस्तेमाल आमतौर पे करते ही नहीं, ठीक है। ये दोनों स्टेबल है, आप इनको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते, ये लेस स्टेबल है, इसलिए इनको सिच्यू में यानी सिचुएशन में ड्यूरिंग रिएक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा, और ये अनस्टेबल है इसलिए इनका इस्तेमाल जो है तो हम आमतौर पर नहीं करते हैं। ये दो चीज़ें जो है तो आप याद रखें, बाकी कोई खास बात नहीं है। चलो अमल की बात करते हैं। ग्यारहवीं में हमने पढ़ा था कि जब आप मसलन हमने लिए मिथिल अल्कोहल और साथ में लिए PCl3, ठीक है, जब इसको आपने गर्म किया तो नतीजे में क्या हुआ, यहाँ पर तीन क्लोरीन है इसलिए मिथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेंगे हम तीन, यहाँ से बंदिश टूटती, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से Cl निकलेंगे, Cl PCl3 होता है इस तरह से, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तीन पॉजिटिव, तो ये तीनों Cl जुड़ेंगे CH3 से, यानी तीन मॉलिक्यूल CH3 बॉन्ड Cl प्लस, ये तीन OH ग्रुप जुड़ेंगे हैं फास्फोरस से, तो नतीजे में H3PO3 जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, अस एसिड कहा जाता है, DNA में फास्फोरिक एसिड होता है, ये हमारा है जो है तो फास्फोरस एसिड, तो ये एक चीज जो है तो आप याद रखें। चलो PCl3 तो हो गया हमारा, अगर हम बात करें PBr3 की, अमल सेम ही है बट आपको यूज कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। मिथिल अल्कोहल साथ में आपने लिए PBr3, लेकिन PBr3 हमने कहा लेस स्टेबल है इसलिए इसको ब्रोमीन और रेड फास्फोरस इन दोनों के अमल से सिच्यू में तैयार करेंगे सिचुएशन, ठीक है, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन, फिर आपको PBr3 तैयार होगा, वो अमल करेगा अल्कोहल के साथ में, तो नतीजे में आपको सेम यहाँ से तीन OH ग्रुप निकलेंगे, उससे जुड़ेंगे तीन Br, तो नतीजे में तीन मॉलिक्यूल CH3 बॉन्ड Br प्लस H3PO4 सॉरी PO3 यानी फास्फोरस एसिड और मिथिल ब्रोमाइड जो है तो हासिल हो जाएगा। तीसरा अगर बात करें आयोडाइड की, यानी CH3 या चेंज कर देता हूँ मैं इसको C2H5 बॉन्ड OH प्लस आपने लिए Pi3, इसको भी तैयार करें सिच्यू में यानी रेड फास्फोरस प्लस I2, ये दोनों अमल करेंगे Pi3 तैयार करेंगे, अमल आपको पता है, यहाँ से बंदिश टूटेंगे निगेटिव पॉजिटिव, तीन आयोडीन है वो जुड़ेंगे C2H5 से, तो नतीजे में तीन मॉलिक्यूल C2H5 बॉन्ड I प्लस H3PO3, ठीक है। तो ये तीनों अमल जो है हमने बयान किया है। चलो ये तो आसान आसान था, कोई नई बात जो हमने इसमें बयान नहीं किए, ठीक है। दूसरा जो है इसमें PCl5 काम वो बता देते, खत्म करते फिर इसको। दूसरा अमल है जो हमारा PCl5 का, अब PCl5 के साथ में अमल कैसे होगा, सिंपल, आप लेंगे दोबारा से CH3 बॉन्ड OH, इसके साथ में लेंगे PCl5, ठीक है, इसको करेंगे गर्म, जब गर्म करेंगे इसमें एक ही मॉलिक्यूल लिया जाता है, ठीक है, तो एक क्लोरीन यहां से निकलेगा, वो जुड़ेगा OH से, OH की जगह पर यानी CH3 से, तो नतीजे में CH3 बॉन्ड Cl प्लस, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, PCl5 इस तरह से होता है,
ठीक है, ये जुड़ा इससे यानी CH3 से, ये जुड़ेगा हाइड्रोजन से, तो नतीजे में HCl प्लस, अब ऑक्सीजन के पास में दो नेगेटिव हो गए, वो जुड़ेंगे दो फास्फोरस के दो पॉजिटिव से, तो नतीजे में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये मुरक्कब जो है तो आपको हासिल हो जाएगा साथ में। लेकिन मेन जो मकसद है हमारा वो है मिथिल क्लोराइड यानी फास्फोरस हैलाइड से चार अलग अलग तरीकों से अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए अल्किल हैलाइड जो है तो तैयार कर सकते हैं, ऐसा हमने कहा। चलो ये तो था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है तो हमारे को दिया हुआ है अल्कोहल में आखिरी वाला सी, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, यहां का आपका लिखते रहे हम SOCl2, यानी जब आप C2H5 बॉन्ड OH साथ में लिए आपने SOCl2, इसको गर्म किए पिरिडीन की या पायरिडीन की मौजूदगी में, ठीक है, तो नतीजे में क्या हुआ, ये रहता है ऐसा, ठीक है। यहां से बंदिश टूटेंगी, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहां से क्लोरीन निकला इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, क्लोरीन जुड़ेगा C2H5 से, तो नतीजे में C2H5 बॉन्ड Cl यानी इथिल क्लोराइड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। प्लस यहां से निकला हाइड्रोजन, यहां से दूसरा क्लोरीन, ये जुड़ेगा इससे, इस पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये जुड़ेगा Cl से, तो नतीजे में HCl प्लस, यहाँ पर अब क्या बचा, देखो ऑक्सीजन के पास में दो नेगेटिव, सल्फर के पास में एक यहाँ का पॉजिटिव एक यहाँ का पॉजिटिव, यानी ये जुड़कर बनाएंगे SO2 जो होता है गैस, HCl भी होता है गैस। और जो मकसद था हमारा थायमिन क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल के साथ आपको तैयार करना था इथिल क्लोराइड या अल्किल क्लोराइड या अल्किल हैलाइड, या आपने जो तैयार कर लिया। एक आखिरी जुमला बस समझे तो बोल रहे हैं, ये जो तरीका है इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको एक से ज्यादा चीजें प्रोडक्ट में हासिल होती है तो आपको उनको अलग अलग जो है तो करना पड़ता ताकि आप खालिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों HCl और SO2 गैसेस है, वो माहौल में इवेपोरेट हो जाएंगी, हवा में खारिज हो जाएगी, यानी आपको खालिस तौर पर इथिल क्लोराइड जो है तो हासिल हो जाएगा। तो ये तीन अलग अलग तरीके थे अल्कोहल के साथ में जो हमने जो है तो बयान किया है, ठीक है। उम्मीद है तीनों तरीके जो है समझ में आ गए होंगे, टोटल पांच तरीके हमारे को पढ़ना है जिसमें से हमारा ये पहला था जो हमने आज जो है तो पढ़ा है। अगले लेक्चर में जो है तो इसके बाद में दूसरा तीसरा तरीका जो है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे जो है तो, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।